हेलो एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस प्री क्योर में हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स को सो so इस हफ्ते के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स में डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास है कैम्पटोथिसन सो so ये क्या है एंटी कैंसर ड्रग है एंड आई आई के रिसर्चर्स ने एक नया आ, आ, एक इकोनॉमिकली एफिशिएंट तरीका बनाया है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू उसको डेवलप करने का ताकि हम लार्ज क्वांटिटीज में इस ड्रग सोर्स को बना सके तो कैम्पटोथेसिन दो जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं उनमें यूज होता है एक है हमारे पास टोपोटेकैन एंड दूसरा है इरेनोटेकैन तो इनमें लीड मॉलिक्यूल क्या है क्या है आपका कैम्पटोथेसिन ठीक है तो क्वेश्चन कैन ऑलवेज बी देयर टू कंफ्यूज यू कि ये कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड है या ये मीजल्स की कोई दवा है तो ऐसा नहीं है दिस इज अ एंटी कैंसर ड्रग तो बट आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी ऐसे कुछ मेडिसन में डेवलपमेंट्स होती है ना यू कैन मेक अ चार्ट ऑफ सच थिंग्स एंड मान लीजिए ड्रग्स के नाम से या फिर uh, जो कॉमनली हम न्यूज़ में डिजीज या डिसऑर्डर्स सुनते रहते हैं फॉर एग्जाम्पल वी हैव मीजल्स पोलियो है ना तो ऐसी चीजें हैपेटाइटिस एक्सेट्रा तो इन इनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है या तो ड्रग नेम आप उस डिजीज़ के नेम से नीचे नीचे चीज़ें ऐड करते जाइए अदरवाइज़ जो काफ़ी इफॉर्मेशन हो जाती है इफ़ यू डोंट कोलेट इट तो ये सारा पढ़ा पढ़ा है किसी काम नहीं आता फिर बाद में ना तो अगर हमने एक कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ नोट्स नहीं बनाए तो ठीक है जी तो जो मॉलिक्यूल है आपका कैम्टोथेसन ये अल्कोलॉयड है एल्कोलॉयड का मतलब क्या है कि इट इज़ बेसिक इन नेचर दो तरीके की चीज़ें पढ़ते थे इनफैक्ट चार तरीके की होती है. हैं बट बेसिकली एसिड्स एंड बेसिस हम ज़्यादा कॉमन में यूज़ करते हैं चीज़ें है ना उसके बाद हमारे पास न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं देन वी हैव द एम्फोटेरिक वंस तो बेसिक नेचर का है आपका कैम्पो थे, कैम्पटोथेसिन एंड चाइनीज ट्री है कैम्पटोथेसिया एक्मिनाटा तो इससे एक तो हम इसको बना सकते हैं या फिर इंडियन ट्री है नोथेफोडाइट्स निमोनियाना तो ये दो ट्रीज हैं जिनसे ये मेडिसिन बनती है लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि इतनी डिमांड है इस ड्रग की कि ये जो दोनों ट्री स्पीशीज हैं दे हैव बिकम क्रिटिकली एंडेंजर। तो इसी वजह से एक कोई ऑल्टरनेटिव तरीका हमें चाहिए इन ड्रग्स को बनाने का तो दैट इज़ वाई ये जो न्यूज़ डेवलपमेंट है एक तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है एंड दूसरा इंडिया ने रिसर्च की है तो अगेन मेक्स अनदर इट एड्ज अदर फैदर टू इट्स कैप है ना और दूसरी चीज़ कैंसर के बारे में अगर हम जाने तो कैंसर तो इतना डेडली डिजीज़ है ही हम सुनते हैं इसके बारे में डे टू डे दे लाइफ में कितना कॉमन होती जा रही है ये बीमारी है ना तो कैंसर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कुछ स्टैट्स हैं हमारे पास तो उसी के ऊपर डिवेल करेंगे अदरवाइज यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ कैंसर एज वेल है ना तो कुछ सेल्स जो हैं वो डेडली टर्न हो जाते हैं सो इट हैज़ बीन लीडिंग कॉज ऑफ डेथ्स वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया एंड कुछ प्रोजेक्शन है हमारे पास कि 2026 तक जो न्यू कैंसर केसेज हैं इट विल बी एज हाई एस पॉइंट मिलियन इन मेल्स यानी कुछ 9 लाख तीस हजार के अराउंड तो जो मेल्स हैं वो कैंसर से पीड़ित होंगे एंड नौ लाख चालीस हज़ार के अराउंड फीमेल पेशेंट्स होंगे तो डब्ल्यू एच ओ की एक रिपोर्ट भी थी पिछले साल टू थाउजेंड ट्वेंटी में आई सॉरी हाँ टू थाउजेंड ट्वेंटी में आई थी एंड टू थाउजेंड एटीन तक के डेटा का जो कंपाइलेशन था उस रिपोर्ट में वर्ल्ड कैंसर डे जो कि फोर्थ फेब को होता है उस पर रिलीज की गई थी ठीक है तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, गया था कि वन इन टेन इंडियंस जो हैं दे डेवलप कैंसर ड्यूरिंग लाइफ टाइम कि इंडिया में हर दस में से एक इंसान को अपने लाइफ टाइम में कैंसर होगा एंड uh, अगर हम डिजीज से मरने की बात करें तो देर कुड भी वन इन फिफ्टीन ठीक है तो ये जो स्टैट्स है थोड़े थोड़े वरिंग तो हैं हमारे लिए क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या होगी धीरे धीरे एज विल बी प्रोसेसिंग प्रोसीडिंग फॉरवर्ड सॉरी तो हमारी जो अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात कर रहे हैं ना कि हमारी जो एवरेज uh, एज है कंट्री की प्रेजेंटली कुछ 27 इयर्स के अराउंड है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ओके तो अब धीरे धीरे ये लोग जो हैं वो बूढ़े होते जाएंगे है ना लेकिन अब पैरेलली वर्किंग में जो पॉपुलेशन रहेगी इसके बाद अभी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन तो इस एज की है जब ये लॉट बूढ़ा हो जाएगा तो पीछे उतने यंग लोग नहीं होंगे जितने कंट्री में बूढ़े लोग होंगे तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि धीरे धीरे ऐसी जो बीमारियां हैं ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगी हमारे कंट्री के सस्टेनेंस के लिए ठीक है तो इसलिए हेल्थ केयर के ऊपर एडुकेट फोकस देना अभी से बहुत जरूरी है क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जब तक अच्छी नहीं बनेंगी इन सब लोगों को सस्टेन करने के लिए इन फ्यूचर तो हो सकता है कि हम बहुत जो नंबर में हमारे लोगों को खो दें ठीक है इंडिया की अगर हम बात करें तो छः मोस्ट कॉमन कैंसर टाइप्स क्या क्या हैं ब्रेस्ट कैंसर ओरल कैंसर सर्विकल कैंसर एंड लंग कैंसर एंड स्टमक कैंसर ठीक है इसके अलावा एक कॉलोरेक्टल कैंसर भी है तो सभी ये जो कैंसर्स हैं छह तरह के दे आर अराउंड 49% परसेंट ऑफ द न्यू कैंसर केसेस मोस्टली जो मेन हैं उनके केस में ओरल कैंसर uh, के केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं एंड विमेन के केस में दे आर ब्रेस्ट कैंसर केसेस अदरवाइज जो सर्विकल कैंसर है ये टोबैको uh, एट्सेट्रा एंड ओरल कैंसर ये दोनों इसी की वजह से होते हैं तो अगर आप उस कैंसर रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक है आपको द हिंदू का पेज खुल जाएगा तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा ठीक है जी ओके आगे बढ़ते हैं जीएम क्रॉप्स की बात करते हैं तो ये क्रॉप्स की बात हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली एक एन टाइप लगा लीजिए आप है कोशन फॉर जी एम फ्री इंडिया तो इन्होंने गवर्नमेंट को रिसेंटली लेटर लिखा जिसमें उन्होंने बोला कि आप जो थ्रेश है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का उसको स्ट्रिक्टी एडहेयर करें एंड जो एफ ने लिमिट रखी हुई है वन परसेंट की इट इज़ अनएक्सेप्शनल एक्सेप्टेबली हाई तो इसको गवर्नमेंट को अपना फोकस इसके ऊपर बनाना चाहिए तो इस रिपोर्ट की तह में ना जाते हुए हमारा फोकस क्या रहेगा कि हम जी क्रॉप्स के बारे में जाने ठीक है ऑल्डो जो ट्वेंटी ट्वेंटी में जो हमारी फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने 24 फूड क्रॉप्स की एक लिस्ट इशू की थी जिसमें उन्होंने बोला कि जो भी इंडिया में इम्पोर्ट्स होंगे दे शुड हैव अ टैग नॉन जीएम ओरिजिन कम जी एम फ्री सर्टिफिकेट ठीक है तो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ये सर्टिफिकेट आना चाहिए लेकिन अभी जो ये रिपोर्ट जो ये एप्लीकेशन है लेटर है गवर्नमेंट की को भेजी हुई इस एन जी ओ द्वारा उन्होंने इसके ऊपर कुछ सवाल या निशान उठाए हैं तो हम इस चीज़ में ना जाते हुए हम जानते हैं जी एम क्रॉप्स क्या हैं सो कन्वेंशनली क्या होता था कि अगर आपको एक कोई बेटर स्पीशीज़ चाहिए तो आप प्लांट ब्रीडिंग करते थे है ना कि कुछ प्लांट्स हैं मान लीजिए किसी में कुछ पर्टिकुलर फीचर है है ना एक वैरायटी में उसी प्लांट की एंड दूसरी किसी वैरायटी में कोई पर्टिकुलर और फीचर है तो आपको किसी ऐसे लगा लीजिए चैलेंजिंग सिचुएशन में उसको लगाना है तो आप क्या करेंगे उसी प्लांट का क्रॉस ब्रीडिंग करा करो के कन्वेंशनल तरीके से वो नए सीड्स बना लेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है जिनको हम जी क्रॉप्स बोलते हैं इसमें आप जो भी डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स लेना चाहते हैं आप किसी एलियन जीन से भी ले सकते हैं लेकिन मतलब ज़रूरी नहीं कि वो सेम वाइटी का ही प्लांट हो या सेम जीनस का ही हो जो जीनस बैरियर अदरवाइज हम कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग में देखते हैं उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्रेक करती है एंड जो भी आप नया जीन किसी पर्टिकुलर चीज़ के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट है बना रहा है आपके क्रॉप को उसको लेना चाहें तो आप किसी दूसरे प्लांट एनिमल या फिर बैक्टीरिया तक से ले सकते हैं बैक्टीरिया वाला क्या है? हमारे पास एग्जाम्पल है बी कॉटन तो बी कॉटन की फुल बी टी की फुलफॉर्म क्या है बेसिलस थोरनजेनासिस तो ये जो आपका सॉइल बैक्टीरियम है उसी से ये जीन लिया हुआ है ना तो दो एलियन जीन्स हैं फ्रॉम सोमे सॉइल बैक्टीरियम बेसलिस थे जीएनसिस ठीक है ओके uh, okay. तो इसकी वजह से क्या हुआ हमारा जो कॉटन क्रॉप था वो कॉमन जो पेस्ट था पिंक बॉलवॉम उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गया एंड इंडिया में जो जीएम क्रॉप द ओनली जीएम क्रॉप जिसको जो बीजने की हमारे पास परमिशन है गवर्नमेंट के द्वारा दैट इज़ पी कॉटन इसके अलावा जो जीएम मस्टर्ड की बात हुई एंड ब्रिंजल एड सेक्टर मल्टीपल क्रॉप्स की बात हुई लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने किसी को अलाउ नहीं किया है जी एम ब्रिंजल के केस में इफ आई एम नॉट रॉन्ग या मस्टर्ड का केस था आई गैस तो जी ई ए सी ने तो अपनी परमिशन दे दी थी लेकिन मिनिस्ट्री ने परमिशन रोक रखी है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कई बार ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन आ जाते हैं कि जी ने अगर परमिशन दे भी दी ऑल दो एपैक्स बॉडी है कमर्शियल रिलीज़ के लिए परमिशन देने की लेकिन इसके बाद मिनिस्ट्री से भी परमिशन लेनी पड़ती है एन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से तो उसकी वजह से अभी तक अटके अटकने लगी हुई हैं जी एम मस्टर्ड है या जी जो आप, आ, ब्रिंजल था वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ ओके ओके तो ये हमने कुछ चीज़ें देखी इसके बारे में एंड जी एम वेराइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कोई अगर अन अप्रूवड जी एम क्रॉप उगा रहा है कोई किसान या कोई भी और कोई मान लीजिए कोई कंपनी उगवा रही है तो उसके लिए पाँच साल तक की जेल है एंड एक लाख तक का जुर्माना है ये जो फ़ाइन है इट इज़ अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी नाइन ठीक है तो ये एक्ट थोड़ा ध्यान में रखिएगा ऑल दो अगर ऐसी चीजें आप भूल भी जाए तो डजेंट मैटर डजेंट अफेक्ट दैट मच लेकिन आपको जो एक्ट है ये ध्यान रखना है कि आई के तहत नहीं है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है ओके okay. आगे बढ़ते हैं मैपिंग की बात करते हैं ओशन फ्लोर की सो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जिसको हम इनकॉर्स के नाम से जानते हैं उन्होंने हाथ में ला लिया है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एनआरएससी के साथ ताकि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं एंड लक्षद्वीप है इनकी एयरलाइन मैपिंग कर सके तो मैपिंग कैसे करेंगे एयरप्लेन के थ्रू करेंगे बट जो ओशन फ्लोर की पिक्चर्स सेट सेक्टर से हैं हम अच्छी क्वालिटी में लेना चाहते हैं तो अगर आप ओशन फ्लोर की मैपिंग करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बैथीमेट्री ठीक है ओके जी तो इसकी ज़रूरत क्या है ये भी जानना ज़रूरी है तो इंडोनेशियन कोस्ट पर रिसेंटली सुनामी की लहरें आई तो सुनामी अदरवाइज क्या है बहुत बड़ी बड़ी समुद्र की पानी की लहरें हैं ना तो इस केस में इस रीसेंट इंडोनेशियन केस में क्या हुआ कि हाई वेव्स तो थी ही लेकिन जो डैमेज था ज़्यादा वो उन वेव्स ने नहीं बल्कि लैंडस्लाइड्स ने किया तो ये जो लैंडस्लाइड्स स्लाइड्स कहाँ हो रही थी ये अंडर द सर्फिस ऑफ वाटर हो रही थी तो इसकी वजह से क्या हुआ अब ना तो पानी के नीचे नहीं पता चल रहा ना कैसी सर्फिस एट सक्रा है तो ना ही हम लोगों को सफिशियंट टाइम में वॉन कर कर सकते हैं तो इसीलिए हमें क्या चाहिए हमें मैपिंग करनी पड़ेगी जो भी अंडर वाटर हमारी ओशन फ्लोर कैसा है उसकी तो इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये स्टेप लेने जा रही है तो इनक्वाइस के बारे में जानते हैं टू थाउजेंड सेवन में इसको इस्टेब्लिश किया गया था ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ठीक है जी हैदराबाद में लोकेटेड है हेड क्वार्टर्स याद रखने हैं दोस्तों आई एम रिपीटिंग इट And again, जब भी कुछ ऐसे हेडक्वार्टर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं हम क्योंकि अगर यूपीएससी ने ना पूछा तो पक्का ही पक्का स्टेट एग्जामिनेशन में तो ऐसी चीजें आती ही आती हैं यू कैनॉट स्किप सच थिंग्स तो बस याद रख लीजिए इंक्वायर हैदराबाद है ना तो ऐसे करके ट्रिक कि आप जब पूरा नाम ही ऐसे याद करेंगे इनक्वायर ऑफ हैबाद तो ऑटोमेटिकली आपको हेडक्वार्टर्स याद हो जाएंगे ठीक है जी तो इन द आफ्टर ऑफ सुमा अर्थ को में जो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम इस्टैब्लिश किया 2007 में एंड उसको कहाँ इस्टैब्लिश किया गया इनक्वाइस में किया गया तो इसीलिए भी इनक्वास जरूरी है ठीक है तो अब अगर आप समझ पा रहे होंगे कि इंक्वाइस किससे रिलेटेड है सुनामी सोना सेक्टर से रिलेटेड है यानी इन अ वे आपकी जो सी फ्लोर है या सी की स्टडी है उससे रिलेटेड है तो इसीलिए इनकॉयस को पार्टनर बनाया गया एंड दूसरी तरफ हमारे पास है एन आर एस सी दैट इज योर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है ना तो ये भी हैदराबाद में लोकेटेड है एंड इसका काम क्या है कि जो सेटेलाइट्स से हैं उनसे डेटा एक्वायर करना प्रोसेसिंग करना डेटा डिसमिनेशन एक्सेट्रा तो इसका काम क्या है इसका जो एयरप्लेन वाला काम है वो एन का है ये किसके अंडर आता है ये इसरो का एक फुल फ्लैचड सेंटर है ठीक है तो इसको टू में इस्टेब्लिश किया गया था ये भी हैदराबाद में लोकेटेड है तो ये हमने कुछ चीज़ें देखी मैपिंग ओशन फ्लोर से रिलेटेड देन वी हैव रेवन एक्ट्स तो ये क्या अब नई चीज़ आ गई है ये है दुनिया का सबसे बड़ा अनमैनड एयरक्राफ्ट सिस्टम जिसको हम यू बोलते हैं तो वेट के अकॉर्डिंग बाय मास सबसे बड़ा है एंड अगर हम इसका विंग्स पैन वगैरह देखें तो 80 फीट लॉन्ग है एंड 18 फीट टॉल है अब ये न्यूज़ में क्यों आ गया है क्योंकि जो ये कंपनी है एवं इन्होंने बोला है कि uh, this can serve as a reusable satellite launch vehicle. तो so, जो छोटी satellites होंगी small launch vehicle की तरह ये काम कर सकता है and छोटी छोटी satellites को deliver कर सकता है in as फास्ट टाइम एज़ वन एटी मिनट्स यानी तीन घंटे में आपके सेटेलाइट को लॉन्च करके वापस आ जाएगा ये तो री सेवेंटी परसेंट प्रेजेंटली री है जो कंपनी है वो बोल रही है कि हम इनको हंड्रेड परसेंट रीयूजबल बना लेंगे एंड यू एस ए की एयरफोर्स के साथ इसका uh, जो आप लगा सकते हैं पैचअप टाइप है या जो भी कॉन्ट्रैक्ट है इनका अपना ठीक है तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट थी एक डेवलपमेंट रीवन नेक्स आपको पता होना चाहिए ये क्या है एक एयरक्राफ्ट सिस्टम है जो कि सैटेलाइट स्मॉल uh, सेटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये रिप्लेस uh, कर दे आपके रॉकेट्स uh, को है ना तो बस यही चीज़ थी तो इस ड्रोन के बारे में देखा हमने आज है ना और मैपिंग ओशन फ्लोर के बारे में पढ़ा जिसमें दो सेंटर्स इन्वाल्व है इनकॉयस एंड एन दोनों ही हैदराबाद में लोकेटेड है बैथीमेट्री क्या है ओशन फ्लोर की स्टडी ठीक है उससे उसके पहले हमने जी एम क्रॉप्स के बारे में देखा जी ई जी सी विच इज यो जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रीजल कमेटी तो ये किसके अंदर आती है ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर आती है ठीक है ओके जी तो इसके बारे में देखा एंड हमने देखा कि इंडिया में पहला बीट जो जीएम एम क्रॉप है बीटी कॉटन इट वाज़ अलाउड टू बी कमर्शियली सप्लाइड इन 2002 लेकिन जो प्लांटिंग वगैरह है वो थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी है ना एंड उससे पहले हमने कैंसर से रिलेटेड जो एंटी कैंसर ड्रग है कैमटोथेसन उसके बारे में जाना एंड दो ट्रीज जाने विच हैव बिकम क्रिटिकली इंडेंजर्ड सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे थैंक यू